बड़ी खबर लखनऊ से, यूपी पीएससी पीसीएस एसोसिएशन में बगावत, समीर वर्मा ने इस्तीफा दिया। पीसीएस एसोसिएशन के ऑडिटर ने अध्यक्ष पद को अपना इस्तीफा भेजा है। शासन के पदाधिकारियों पर भेदभाव का आरोप लगाया। पीसीएस एसोसिएशन ने आपात विशेष सत्र बुलाया है। समीर वर्मा के इस कदम से 1245 जो सूबे भर के पीसीएस ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, वो चिंता में डूब गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लखनऊ यूपी पीसीएस एसोसिएशन में बगावत दिख रही है क्योंकि ऑडिटर समीर वर्मा ने इस्तीफा भेजा है अध्यक्ष को अपना। तो पीसीएस एसोसिएशन के ऑडिटर ने अध्यक्ष को ये जो इस्तीफा भेजा है उसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हरेंद्र चौधरी हमारे रेजिडेंट एडिटर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। हरेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे, बड़ा कुछ चल रहा है अंदर यूपी पीसीएस में और आज जो इस्तीफा सामने आया उसके साथ बहुत सी बातें भी सामने आ रही हैं, पूरा मामला क्या है ये? बिल्कुल, देखिए कुलदीप, जाहिर सी बात है कि जब पीसीएस एसोसिएशन के ऑडिटर पद से समीर वर्मा ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे की वजह ये बताई गई है कि जो पीसीएस एसोसिएशन से जुड़े जो न सिर्फ पदाधिकारी के बल्कि जो एसोसिएशन के जो सदस्य, जो तमाम जो पीसीएस अफसर, 1245 पीसीएस अफसर हैं, उनकी जो उम्मीदें थी वो पीसीएस एसोसिएशन पूरी नहीं कर पा रहा है। और अलग अलग मुद्दों पे जब किसी भी पीसीएस अधिकारी को ये जरूरत थी कि एसोसिएशन उनके साथ खड़ा रहे, एसोसिएशन की तरफ से इस तरह की कोई भी स्टैंड नहीं लिया गया, तो इसको देखते हुए और साथ ही एक बड़ा गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाया गया कि पिछले 3 साल से एजीएम का आयोजन नहीं किया गया, तो ऐसे में महज नाम मात्र के लिए एसोसिएशन में बने रहना और सिर्फ एक पदाधिकारी की जिम्मेदारी का निर्वहन करना उनके लिए उचित नहीं है, और इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा जो है दे दिया है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में चूंकि अब ऑडिटर पद से इस्तीफा दे दिया गया तो दो फाड़ जो है पीसीएस एसोसिएशन में नजर आ रहे हैं, और समीर वर्मा का इस्तीफा सीधे तौर पर जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं नगर आयुक्त लखनऊ डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा सीधे तौर पर खोला है। भले ही नाम उनका अपने इस्तीफे में नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह से निष्क्रियता की बात उन्होंने कही है और ये बड़ा आधार उन्होंने अपने इस्तीफे का बनाया है, तो सीधे तौर पर सरकार सामने जो अलग अलग मुद्दे थे और जो पीसीएस एसोसिएशन में पीसीएस अधिकारियों के वेलफेयर से जुड़े जो मुद्दे थे जो सरकार के सामने उठाने चाहिए थे और उनके हक की आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, इस तरह की जो उम्मीदें थी वो इंद्रमणि त्रिपाठी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब दो फाड़ होती पीसीएस एसोसिएशन में नजर आ रही है और ऐसे में ये जो एसोसिएशन की जो आपसी राह है अभी आगे और बढ़ सकती है, अब देखने वाली बात होगी। हरेंद्र, वजह क्या है? आपने बताया कि एजीएम जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो पिछले 3 सालों से नहीं हुई, और 3 सालों से अगर इतनी महत्वपूर्ण बैठक नहीं होगी तो कैसे पीसीएस अधिकारी अपनी उनकी जो ग्रीवांसेस हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, उनका एड्रेस होती होंगी? ये बड़ा सवाल है कुलदीप। देखिए, अगर इसको समझने की कोशिश करें, कोई भी संगठन, कोई भी एसोसिएशन होता है तो जाहिर सी बात है उस संगठन से जुड़े जो भी पदाधिकारी और जो सदस्य होते हैं उनके उनके वेलफेयर के लिए वो एसोसिएशन काम करता है, और समीर वर्मा ने अपने रेजिग्नेशन में, अपने इस्तीफे में साफ तौर पर इस बात का आरोप लगाया है कि जो पीसीएस एसोसिएशन का जो उद्देश्य है वो यहाँ पे खत्म होता नजर आ रहा है। इस सरकार, मौजूदा सरकार में कई ऐसे मौके आए, कई ऐसे मुद्दे थे जहाँ पे पीसीएस जो अधिकारी हैं वो अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे थे, ऐसे में एसोसिएशन को स्टैंड लेना चाहिए था, और ये जो मौजूदा अध्यक्ष है इंद्रमणि त्रिपाठी उनकी तरफ से ऐसा कोई स्टैंड नहीं लिया गया, तो ये एक आधार उनकी तरफ से बनाया गया, इसी वजह से इस्तीफा दिया। और जो एनुअल जनरल जो मीटिंग है पिछले 3 साल से नहीं बुलाई गई है, उसकी बड़ी वजह यही है कि जो सक्रियता एसोसिएशन की तरफ से दिखनी चाहिए थी, जो खासकर जो जो जिम्मेदार पदाधिकारी है, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो महासचिव हो, तो उनकी तरफ से वो जिम्मेदारी, वो सक्रियता नहीं दिखाई गई है। और अरेंद्र, कोई टीका टिप्पणी भी उन्होंने की है, किसी पर सवाल भी खड़ा किया है, किन वजहों से और किन की वजहों से दरअसल उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही? बिल्कुल, देखिए जैसा अभी मैंने बताया कि भले ही इस्तीफे में नाम नहीं लिखा है, लेकिन जिस तरह से एसोसिएशन के उद्देश्य पर वो सवाल खड़ा कर रहे, तो ये सीधा जो है इशारा जो मौजूदा अध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी को लेके है, और जो अध्यक्ष और महासचिव के पद को लेके जो पहले भी हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश एसोसिएशन में, पीसीएस एसोसिएशन में कई अलग अलग मौकों पे तकरार देखने को मिली, अलग अलग जो मतभेद सामने आए अलग अलग मुद्दों पे, कमोवेश वैसे ही स्थिति अब दोबारा से बनती जा रही, यही वजह कि लगातार 3 साल से इस मतभेद के चलते एजीएम का आयोजन नहीं किया गया था, और ऐसे में सिर्फ नाम मात्र के लिए पदाधिकारी बने रहना
समीर वर्मा ने उसको उचित नहीं समझा और यही वजह कि इस्तीफा दिया। और आगे आने वाले समय में अब देखने वाली बात होगी कि अगले कुछ दिनों में कुछ और पदाधिकारी मौजूदा अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। तो ऐसे में जो पीसीएस अधिकारी हैं वो आपसी दार के चलते जो अपने आप को जो उपेक्षित महसूस करें और ज्यादा हालात जो है बिगड़ सकते हैं। हरिंद्र, क्या अब शासन स्तर पर भी इस पर मंथन किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए चूंकि ये पीसीएस की आपसी लड़ाई है, आपसी तकरार है और एक एसोसिएशन की जो जिस तरह के जो मतभेद सामने आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार जो है शासन की तरफ से उस पूरे मामले पर नजर भले ही रखी जा रही है, लेकिन जहां तक दखल की बात है, चूंकि एसोसिएशन का आपसी मसला है, तो अभी तक न सरकार की तरफ से कोई पहल की गई। और जो जानकार बताते हैं कि ये चूंकि आंतरिक मामला है एसोसिएशन का, तो बहुत ज्यादा दखलअंदाजी सरकार की तरफ से उस लेवल पे, उस स्तर पे अभी होती हुई नजर नहीं आ रही है। जी बहुत शुक्रिया हरिंद्र चौधरी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।